नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आज भारतीय नौसेना के लिए बड़ा दिन है। समुद्र में नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देने वाला पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मिल जाएगा। कोची में पीएम मोदी आज इस विमान वाहक पोत को नौसेना को सौंपेंगे। INS विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्ध पोत है। नौसेना में इस कैरियर के शामिल होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। कोचिन शिपयार्ड में बने देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की कुछ खासियत भी जान लेती है। INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर और इसकी चौड़ाई भी करीब 62 मीटर है, तो वहीं ये 59 मीटर ऊंचा है, यानी इसकी ऊंचाई करीब 8 मंजिला इमारत के बराबर है। इसके साथ ही युद्धपोत में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इसके फ्यूल टैंक को एक बार फुल करने के बाद INS विक्रांत 45 दिनों तक नॉन स्टॉप चल सकता है। साथ ही INS विक्रांत में एक घंटे में 1600 लोगों का खाना बनाने की क्षमता वाला मॉडर्न किचन भी शामिल है। तो आज भारतीय नौसेना के लिए खास दिन है, क्योंकि जहां पीएम मोदी नौसेना को स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत सौंपेंगे, तो वहीं आज ही नौसेना का प्रतीक चिन्ह भी बदलेगा। नया प्रतीक चिन्ह भी आज पीएम मोदी नौसेना को देंगे। सुबह करीब 9:30 पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी कोचिन। पीएम मोदी का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, 9:30 पीएम मोदी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 9:32 पर पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर लेंगे। 9:43 पर पीएम नौसेना को नया प्रतीक चिन्ह देंगे। इसके बाद 9:54 पर पीएम मोदी का भाषण और फ्लाई पास्ट होगा। 10:30 सुबह नौसेना का नया निशान फहराया जाएगा। इसके बाद 10:46 पर पीएम INS विक्रांत का निरीक्षण करेंगे। तो ये पीएम मोदी का कार्यक्रम है। आज भारतीय नौसेना के लिए बेहद खास दिन है। नौसेना को एक तो नया प्रतीक चिन्ह मिलेगा, उसके अलावा INS विक्रांत शामिल होगा जिससे नौसेना की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना के लिए आज खास दिन, नौसेना को नया प्रतीक चिन्ह मिलने वाला है। पीएम मोदी सुबह 9:30 कोचिन पहुंचेंगे, जहां INS विक्रांत को सौंपेंगे। और ऐसे में INS विक्रांत के नौसेना के बेड़े में शामिल होते ही भारत की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना की उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा भारत जिसमें स्वदेशी ये युद्धवाहक बनेगा। INS विक्रांत 45 दिनों तक नॉनस्टॉप चल भी सकता है और INS विक्रांत में एक घंटे में 1600 लोगों का खाना बनाने की क्षमता है। तो क्या क्या खास बातें हैं INS विक्रांत की, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और आज पीएम मोदी का कार्यक्रम है, INS विक्रांत को सौंपेंगे भारतीय नौसेना को, जो खास है। बस कुछ ही घंटों का इंतजार और सुबह 9:30 कार्यक्रम की शुरुआत होगी।